गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द लेसन द गोल्ड वॉच। द राइटर इज पंजीकारा रफी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड शंकु वर्क। शंकु कहाँ काम करता था? आंसर इज शंकु वर्कड इन अ फैक्ट्री वेयर मोर देन 800 वर्कर्स वर्क। शंकु एक फैक्ट्री में काम करता था जहाँ 800 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्य करते थे। क्वेश्चन है वह डेट शंकु वर्क। शंकु कहाँ काम करता था? आंसर है शंकु वर्कड इन अ फैक्ट्री वेयर मोर देन 800 वर्कर्स वर्क। शंकु एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता था जहाँ 800 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्य किया करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। क्वेश्चन का मीनिंग है शंकु की समस्याएं क्या थी और उसने उनको हल करने की योजना क्या बनाई। शंकु की समस्याएं क्या थीं और उसने उनको हल करने की योजना क्या बनाई। आंसर शंकुस प्रॉब्लम्स वर मैनी। शंकु की कई समस्याएं थीं। ही वाज अ पुअर मैन। वह एक गरीब व्यक्ति था। हिज इनकम वाज वेरी लो। उसकी आय बहुत कम थी। ही अर्न ओनली 1 रुपी पर डे। उसे प्रतिदिन 1 रुपया मिलता था। ही वॉज इन डेट फ्रॉम हेड टू फुट। वो सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था। टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उसने अपने अधिकारी की सोने की घड़ी चुराने का निश्चय किया। वंस अगेन आंसर शंकु की कई समस्याएं थी। वह एक गरीब व्यक्ति था। उसकी आय बहुत कम थी। वह प्रतिदिन केवल 1 रुपया कमाता था। वह सर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ था। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उसने अपने अधिकारी की सोने की घड़ी चुराने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट टाइम डिड शंकु थिंक वॉज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई। क्वेश्चन का मीनिंग है शंकु ने घड़ी चुराने के लिए किस समय को सबसे अधिक उपयुक्त समझा और क्यों। शंकु ने घड़ी चुराने के लिए किस समय को सबसे अधिक उपयुक्त समझा और क्यों। आंसर शंकु थॉट दैट द लंच इंटरवल वॉज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। शंकु ने सोचा कि दोपहर के भोजन का समय जो समय होता है वह घड़ी चुराने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समय था। बिकॉज एट दिस टाइम एवरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री वेंट आउट ऑफ द फैक्ट्री फॉर लंच और रेस्ट। क्योंकि इस समय फैक्ट्री का प्रत्येक कर्मचारी भोजन या विश्राम करने के लिए फैक्ट्री के बाहर चला जाता था। शंकु ने सोचा कि लंच इंटरवल सोने की घड़ी को चुराने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समय था क्योंकि इस समय फैक्ट्री के सारे कर्मचारी या प्रत्येक कर्मचारी फैक्ट्री के बाहर भोजन या विश्राम करने के लिए चला जाता था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। मीनिंग है प्रारंभ में शंकु को किस बात ने घड़ी चुराने से रोका। प्रारंभ में शंकु को किस बात ने घड़ी चुराने से रोका। आंसर है शंकु वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ। शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था। सो ही वॉज वेरी नर्वस एंड फुल ऑफ फियर। इसलिए वह अत्यधिक घबराया हुआ और भयभीत था। सो नर्वसनेस एंड द फियर ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। इसलिए घबराहट और रंगे हाथों पकड़े जाने के भय ने शंकु को प्रारंभ में घड़ी चुराने से रोका। शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था। इसलिए वह अत्यधिक घबराया हुआ था और डरा हुआ था। इसलिए घबराहट और रंगे हाथों पकड़े जाने के भय ने प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से रोका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कुड शंकु नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। शंकु लंबे समय तक घड़ी चुराने के कार्य को टाल क्यों ना सका। शंकु एक लंबे समय तक घड़ी चुराने के कार्य को टाल क्यों ना सका। आंसर है शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। शंकु ज्यादा देर तक लंबे समय तक घड़ी चुराने के कार्य को इसलिए नहीं टाल सका बिकॉज ही हैड टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। क्योंकि उसे अपना कर्जा चुकाना था। ही हैड टू बाय ऑइंटमेंट फॉर हिज एल्डरसन। क्यों और उसको अपने बड़े बेटे के लिए मलहम खरीदनी थी।
ही नीडेड सम मनी फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ, और उसको कुछ पैसे अपने गर्भवती पत्नी के लिए भी चाहिए थे. आंसर वंस अगेन, शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग. शंकु ज्यादा देर तक घड़ी चुराने के कार्य को इसलिए नहीं टाल सका क्योंकि उसको अपना कर चुकाना था. उसको अपने बड़े बेटे के लिए मलहम और छोटे बच्चे के लिए फल खरीदने थे और उसे कुछ पैसों की जरूरत अपनी गर्भवती पत्नी के लिए भी थी क्योंकि उसके परिवार में एक नया सदस्य जन्म लेने जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 6, Why did Shanku curse himself? Shanku ने अपने आप को क्यों कोसा? Why did Shanku curse himself? Shanku ने अपने आप को क्यों कोसा? क्यों श्राप दिया? Answer: Shanku cursed himself. Shanku ने अपने आप को इसलिए कोसा because Shanku had two children already. क्योंकि Shanku के पहले से ही दो बच्चे थे. He saw that his wife was pregnant and another child was going to take birth. उसने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और एक अन्य सदस्य परिवार में जन्म लेने जा रहा है. The problems would increase at home. इसलिए घर की जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी. Shanku felt that he was responsible for it. Shanku ने सोचा कि अपनी समस्याओं को बढ़ाने के लिए वह ही जिम्मेदार है. So he cursed himself. इसलिए उसने अपने आप को कोसा. शंकु ने अपने आप को इसलिए कोसा क्योंकि उसके पहले से ही दो बच्चे थे. उसने देखा उसकी पत्नी गर्भवती है और एक नया बच्चा परिवार में जन्म लेने जा रहा है. इसलिए परिवार में जो समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी. इसलिए शंकु ने सोचा कि वह ही अपनी समस्याओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है. इसलिए शंकु ने अपने आप को कोसा. The student, these are the 6 short questions. Please read them, understand them, write them in your copy and try to learn them. I will make you clear the next short questions of this lesson the very next day. Till then, have a nice day. Bye-bye.